स्वास्थ्य सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर। एक बड़ी रिपोर्ट यहां पर निकल कर आ रही है क्योंकि कोरोना वायरस के बचने के उपाय, साथ ही साथ कोरोना वायरस अब तेजी से बढ़ रहा है, इसके अलावा अब भारत में इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और इसको बचने के क्या उपाय हैं, कैसे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं और क्या इसके लक्षण है कि आपके अंदर कोरोना वायरस हो गया है, इस पर ही हम बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या छूने से कोरोना वायरस फैलता है? तो इसका जवाब है हाँ, कोरोना वायरस छूने से फैलता है। इसके अलावा किस किस से दूरी बनाकर रखना चाहिए कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं, क्योंकि बचाव ही एक उपाय है, क्योंकि अब तक इसकी दवा बनी नहीं है, इसकी अभी तक मेडिसिन तैयार नहीं की गई है। चीन जैसे बड़े देशों ने भी अब तक इसकी दवा यहाँ पर नहीं बना पाई है, लेकिन इसके उपाय यहाँ पर सामने आ रहे हैं और इन उपायों के जरिए आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जो लोग खांस रहे हैं या छींक रहे हैं या उन्हें यहाँ पर बुखार है, तो उनसे कम से कम 3 फीट की दूरी आपको बनाकर रखनी है। तो क्या भारत में कोरोना के बड़े खतरे से बचने के लिए कितना तैयार है भारत, क्योंकि इसको लेकर यहाँ पर दिल्ली के नोएडा में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इसके साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से चीन में ये कोहराम मचाया था इस वायरस ने, तो क्या भारत में भी इस तरह का यहाँ पर माहौल बन सकता है, इस पर बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि अब तक जो है चीन के अलावा अन्य, जिनमें इटली की बात करें या फ्रांस की बात करें या अन्य देशों की बात करें, जिनमें 65 देशों में ये कोरोना वायरस जो है वो फैल चुका है और कोरोना वायरस से बचने के लिए उपाय भी सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या आपको उपाय करने हैं? इसके अलावा कोरोना वायरस से डरे नहीं बल्कि संपर्क करें, डरना नहीं आपको, केवल उपायों को जानना है। और उपायों के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी डायल किया है, इस कंट्रोल रूम के जरिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस तरह का माहौल बनाए, क्या लक्षण है इसके लिए, ये नंबर भी है, इसके द्वारा आप संपर्क भी कर सकते हैं। और इन देशों में जो है यात्रा करने पर रोक लगा दी है, जिनमें इटली, ईरान, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ये वो देश है जहां पर कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिला है। इसके अलावा कोरोना वायरस से बचने के क्या क्या उपाय हैं उन पर भी हम बात करते हैं। हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं और सैनिटाइज का इस्तेमाल जरूर करें, खासकर सीखते वक्त यहाँ पर डिस्पोजल टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को फेंक दें, इसके बाद हाथ दोबारा से धोएं, टिश्यू नहीं है तो सीखते खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें या बिना हाथ धोएं अपनी आंखें, नाक, कान, मुंह को ना छुएं, जो बीमार है उसके संपर्क में ना आए और पूरी कोशिश करें कि उसके संपर्क में आप कम से कम 3 फीट की दूरी बनाकर रखनी। इसके अलावा माउथ मास्क का जरूर प्रयोग करें, इसको पहने, क्योंकि यही वो उपाय है जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और इसका ज्यादातर यूज किया जा रहा है। छींकने वालों से दूरी बनाए रखें, कम से कम 3 फीट की दूरी, और अंडा मांस खाने वालों से भी दूर रहना है और इनका सेवन से भी बचना है। ये कुछ उपाय कोरोना वायरस से बचने के तरीके हैं। दरवाजे खिड़कियों को खुला रखें ताकि शुद्ध हवा आपके घर तक पहुंचे, इससे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी फिश मार्केट में जाने से बचें, क्योंकि फिशिंग और जो मांस है उससे कहीं ना कहीं आपको कोरोना वायरस के लक्षण या फैल सकता है, इससे बचना है। इसके अलावा दुनिया भर की ये अगर आंकड़े दिखाए तो चीन में अकेले 2,943 यहाँ पर मौत हो चुकी है, तो अब तक मामले जो है वो 80,151 मामले यहाँ पर कोरोना के देखे जा चुके हैं। अगर दुनिया के लिए पूरे आंकड़े दिखाए, जिनमें 66 से ज्यादा देश यहाँ पर जो है कोरोना वायरस के शिकंजे में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी देश के लिए, दुनिया के लिए 100 यहाँ पर 79 मौतें हुई, तो ईरान में 66, तो इटली में 52, दक्षिण कोरिया में 34 हुई है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में अब तक 5 मामले जो है पुष्टि हो चुकी है कोरोना वायरस के लिए, हालांकि इनमें से 3 मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं उपाय ही यहाँ पर सामने आ रहे कि उपाय से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। तो कोरोना वायरस के उपाय और लक्षण आपको दिखाए, किस प्रकार से ये वायरस जो है वो फैल सकता है और इससे किस प्रकार से आप बच सकते हैं, क्योंकि उपाय ही आपको इस वायरस से बचा सकता है। तो आपको क्या लगता है, इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी जो है वो पहुंच सके।